हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पेंशनर्स गोष्ठी, पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा। शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, कहा लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बैठक, 15 अगस्त को हर्षोल्लास एवं परंपरागत ढंग से मनाने के दिए निर्देश। सावन माह शुरू होते शिव मंदिरों पर उमड़ा भक्तों का हुजूम, एसएसपी ने कहा पूरे भक्ति भाव से करें आराधना, गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। पूर्वोत्तर रेलवे के मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ 2 दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र का महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने किया शुभारंभ। पॉलीथीन के उपयोग की रोकथाम को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेडर्स ने मिर्जापुर प्राथमिक विद्यालय के 300 बच्चों को भेंट किया झोला। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त, लगभग 100 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, एडर्स कमेटी के चेयरमैन ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मुक्त शिक्षा चुनौती एवं संभावनाएं विषय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे विचार। रोहित पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह ने गुरु के महत्व पर डाला प्रकाश। ईओ सहजनवा नगर पंचायत अध्यक्ष का मामला पहुंचा डीएम तक, पंचायत अध्यक्ष ने ईओ और उनके पति पर लगाया गंभीर आरोप। बीटीसी शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर निकाली चेतावनी रैली। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति की चेतावनी के बाद भी नहीं माना नगर निगम प्रशासन, सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना, कहा लिखित आश्वासन नहीं मिला तो बुधवार से करेंगे हड़ताल। और बारिश के कारण स्थगित हुआ जिला फुटबॉल लीग का सेमीफाइनल, फुटबॉल संघ के महामंत्री ने कहा वाटर लेवल सही होने के बाद ही हो सकेगा मैच।